ये है गार्नियर के 3 बेस्ट सेलिंग फेस वॉश और आज इस वीडियो में बात करेंगे कि इन तीनों फेस वॉश में से आपको अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग कौन सा फेस वॉश यूज करना चाहिए इस समर सीजन में। और अगर इन तीनों में से कोई भी फेस वॉश आपको सूट नहीं करेगा आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग, इन दैट केस आपको इस वीडियो के एंड में एक दो फेस वॉश और रिकमेंड करूंगा जिसको आप यूज कर सकते हो, जिससे आपकी स्किन की क्वालिटी डेफिनेटली बेटर होगी। तो इस टाइम मेरे हाथों में गार्नियर के 3 फेस वॉश जिनका नाम है गार्नियर मैन ऑयल क्लियर डीप क्लेंसिंग आईसी फेस वॉश, गार्नियर मैन एक्नोफाइट एंटी पिंपल फेस वॉश और गार्नियर मैन टर्बो ब्राइट एंटी पोल्यूशन डबल एक्शन फेस वॉश। अब वैसे तो इन तीनों फेस वॉश को कोई भी यूज कर सकता है, लेकिन जैसा आप रिजल्ट चाहते हो शायद आपको वो रिजल्ट ना मिले और आपकी स्किन इतनी इंप्रूव ना हो, और यही रीजन है इस वीडियो को बनाने का, ताकि आपको स्पेसिफिकली पता लग सके कि आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आपको इन तीनों में से कौन सा फेस वॉश सबसे ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देगा। इसीलिए वन बाय वन हर एक फेस वॉश की बारी बारी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे गार्नियर मैन ऑयल क्लियर डीप क्लेंसिंग आईसी फेस वॉश की। तो जैसा कि इसका नाम है ऑयल क्लियर, तो इसका काम भी वैसा ही है, आपकी स्किन से ऑयल को क्लियर करना और उसे डीप क्लीन करना। क्या ये उतना इफेक्टिव है वो चीज करने में? तो उसका जवाब पार्टली ट्रू है, और ऐसा है क्यों वो भी आपको बता देता हूं। तो इसका काम है आपकी स्किन से ऑयल क्लियर करना और ये वो बखूबी करता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये आपकी स्किन से एक्सेस ऑयल और एसेंशियल ऑयल सबको क्लियर कर देता है कंप्लीटली, जिससे आपकी स्किन काफी ज्यादा ड्राई और स्टिफ लगती है और आपकी स्किन से जो स्मूथनेस होती है, जो ग्लो होता है, वो भी चला जाता है। नो डाउट ये आपकी स्किन को डीपली क्लीन करता है और ये एक आईसी फेस वॉश है तो फिर इसमें मेंथॉल और क्ले भी है, जो आपकी स्किन को एक रिफ्रेशिंग फील देता है जब भी आप इसे यूज करते हो, और इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी है जो आपके मूड को अपलिफ्ट करती है। लेकिन इसका ड्रॉबैक यही है कि ये आपकी स्किन से सारे एसेंशियल ऑयल्स को भी पुल आउट कर देता है और आपकी स्किन को ड्राई बना देता है। हालांकि इसे यूज करने के बाद आप एक अच्छा मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो और आप अपनी स्किन को हाइड्रेट कर सकते हो और उसे सॉफ्ट बना सकते हो। स्टिल मैं कहूंगा कि ये फेस वॉश सबके लिए नहीं है। इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो इसका सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आपके फेस को काफी ज्यादा रिफ्रेश करता है। दूसरा ये कि इसकी फ्रेग्रेंस आपके मूड को काफी अपलिफ्ट करती है। तीसरा ये आपके एक्सट्रीमली ऑयली फेस को एकदम ऑयल क्लियर कर देता है। चौथा, गर्मियों में आपकी स्किन को डीप क्लीन करने के लिए ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। और इसका कॉन, जैसा कि मैंने आपको बताया, यही है कि आपकी स्किन को काफी ज्यादा ड्राई कर देता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे बात कर लेते हैं, जो है कि किन को ये फेस वॉश यूज करना चाहिए और किन को ये बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। तो अगर आपकी एक्सट्रीमली ऑयली स्किन है, इन दैट केस ये मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा, आप इसे यूज करो, आपका फेस एकदम ऑयल क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आपका स्किन टाइप मॉडरेटली ऑयली है, नॉर्मल है, या कॉम्बिनेशन है, या फिर ड्राई है, इन दैट केस आप इसको बिल्कुल अवॉइड करो। एक और चीज, इन तीनों फेस वॉश को कैसे प्रॉपर यूज करना है जिससे आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिले, वो भी आपको बताऊंगा इस वीडियो के एंड में। सेकंड है गार्नियर मैन टर्बो ब्राइट एंटी पोल्यूशन डबल एक्शन फेस वॉश, और ये इस लिस्ट का वो फेस वॉश है जो एक मिडिल ग्राउंड पे आता है, और आप कह सकते हो कि इसे ऑलमोस्ट सारे स्किन टाइप के लोग यूज कर सकते हैं एक्सेप्ट ड्राई स्किन, क्योंकि ये फेस वॉश भी आपकी स्किन से मैक्सिमम ऑयल्स को पुल आउट कर देता है, लेकिन इस ऑयल क्लियर फेस वॉश की वजह से आपके फेस को एकदम ड्राई नहीं करता। तो फिर मॉडरेटली ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन और नॉर्मल स्किन, इन तीनों स्किन टाइप के लोग इसे यूज कर सकते हैं, लेकिन ड्राई स्किन वाले लोगों को मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा। इसमें ब्लैक चारकोल है, विटामिन ई है, तो फिर ये आपके फेस को अच्छे से क्लेंस करता है और आपके फेस से डलनेस को भी रिड्यूस करता है। हालांकि इसका नाम है टर्बो ब्राइट, पर मैंने कुछ वैसा नहीं नोटिस करा इसे यूज करके। अब इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें, सबसे पहला प्रो ये है कि ये ऑलमोस्ट सारे स्किन टाइप वाले लोगों के लिए है। दूसरा ये कि ये आपकी स्किन को जेंटली तो नहीं, पर हाँ ठीक ठाक तरीके से क्लीन कर देता है। तीसरा पॉइंट, ये आपके फेस को काफी ज्यादा रिफ्रेशिंग फील देता है और आपके फेस से डलनेस को रिड्यूस करता है। और चौथा पॉइंट बाइक राइडर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बाइक राइड करते हो तो फिर आपके फेस पे डर्ट, ग्राइम, इंप्योरिटीज कलेक्ट हो जाती है, तो उनको डीपली क्लीन करने के लिए ये फेस वॉश बहुत अच्छा है। इसके कॉन की बात करें तो इसका एक ही कॉन है कि ये ड्राई स्किन वाले लोगों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। लास्ट में बात करते हैं एक्नोफाइट फेस वॉश की, और ये लिटरली गार्नियर का सबसे ज्यादा फेमस होने वाला फेस वॉश है। और मैंने बहुत लोगों को देखा है कि जिनके एक्ने और पिंपल हैं वो तो इसे यूज कर रहे हैं, लेकिन जिन्हें एक्ने और पिंपल बिल्कुल नहीं है वो भी इसे यूज करते हैं। तो फिर मैं पूछना चाहूंगा कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? हाँ, मुझे पता है कि इसे यूज करके आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी अगर आपके एक्ने और पिंपल नहीं है तो फिर मैं आपको कहूंगा कि आप टर्बो ब्राइट यूज करो, आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। रही बात एक्ने और पिंपल्स की, तो जैसा कि इस पे लिखा है कि ये आपके पिंपल्स को ड्राई करेगा, ब्लैकहेड्स को रिड्यूस करेगा, ऑयल को कंट्रोल करेगा, पोर्स को टाइटन करेगा, स्किन पे अगर एक्ने मार्क्स है या फिर रेडनेस होती है तो उस चीज को भी रिड्यूस करेगा। ये सारी चीजें कुछ हद तक के सही है, क्योंकि अगर आपके फेस पे थोड़े बहुत एक्ने और पिंपल हैं तब तो आप इसे यूज करके अपनी स्किन पे इंप्रूवमेंट नोटिस करोगे, लेकिन अगर आपके बहुत ज्यादा एक्ने और पिंपल है तब आपको इससे शायद उतना फायदा ना हो। अगर मोटा मोटा मैं आपको बताऊं कि ये काम कैसे करता है, तो ये बेसिकली आपके एक्ने और पिंपल्स को ड्राई कर देता है, और जब आप इसे रेगुलरली यूज करते हो तो आपके एक्ने और पिंपल्स जो होते हैं वो थोड़े सप्रेस हो जाते हैं। पर सबके साथ ऐसा नहीं होता है, कुछ लोगों को तो ये सूट करता है, कुछ लोगों को उतना इफेक्ट नहीं आता है। मैं अपनी बात करूं तो मुझे उतने एक्ने या पिंपल्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ दिन पहले मुझे एक पिंपल हुआ था, तब मैंने इसे यूज करा था, तो इसने पूरी तरीके से पिंपल को ठीक तो नहीं किया, हाँ उसे ड्राई कर दिया था। थोड़े दिन बाद मैंने
नोटिस किया कि अपने आप वो पिंपल सप्रेस हो गया था। अब मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता कि इसे यूज करने पे ही मेरा पिंपल वो ठीक हुआ था या फिर वो अपने आप ठीक हो गया था, लेकिन हाँ इसने उस पिंपल को ड्राई तो कर दिया था। तो आप कह सकते हो कि ये फेस वॉश एक्ने एंड पिंपल प्रोन स्किन के लिए कोई मैजिक पिल के जैसे काम नहीं करेगा, लेकिन हाँ 20-30% इंप्रूवमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ओवरऑल मैं कहूंगा कि अगर आपके एक्ने एंड पिंपल्स है तब आप इसे यूज करो, और अगर आपका फेस एक्सट्रीमली ऑयली है तभी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस ऑयल क्लियर फेस वॉश को यूज करो। और हाँ, अगर आपका ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन टाइप है तब मैं इन तीनों में से कोई भी फेस वॉश आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। अब मुझे पता है कि ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन वाले लोग मेरी ये बात बिल्कुल नहीं मानेंगे और इन तीनों में से कोई फेस वॉश यूज करके जरूर देखेंगे, शायद यूज करते भी हों। तो उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपकी वो ख्वाहिश पूरी हो जाए और आपको कोई रिजल्ट ना मिले तो आपको दो फेस वॉश रिकमेंड कर रहा हूं जिन्हें आप यूज कर सकते हो, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। पहला ये मिनिमलिस्ट सैलिसिलिक एसिड +2% LHA फेस क्लेंजर। तो ये फेस क्लेंजर ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा है, और अगर आपका फेस ऑयली एंड एक्ने प्रोन है तो भी आप इसे यूज कर सकते हो। और दूसरा सेटाफिल जेंटल स्किन क्लेंजर, और इसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता है कि ये ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत अच्छा है। और वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको दो टिप देना चाहूंगा जो आपको फॉलो करनी है जब भी आप इन फेस वॉश को यूज करो। पहली टिप ये कि इन फेस वॉश की कितनी क्वांटिटी आपको यूज करनी है। तो आपको इसकी बहुत ज्यादा क्वांटिटी नहीं यूज करनी है, एग्जैक्टली जितना मैं दिखा रहा हूं इतनी ही यूज करो, और इतने में आपके फेस पे अच्छा खासा लेदर, अच्छा खासा फोम क्रिएट हो जाएगा जिससे आप अपने फेस को क्लीन कर सकते हो वो भी बहुत आराम से। और अगर आप इससे ज्यादा फेस वॉश यूज कर रहे हो तो सिंपली आप अपने फेस वॉश को वेस्ट कर रहे हो और अपने पैसे को वेस्ट कर रहे हो। दूसरी टिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप इन फेस वॉश को अपने फेस पे यूज करो तो फिर अपने आईज वाले एरिया से इन्हें दूर रखना, क्योंकि इन फेस वॉश में मेंथॉल है जो आपके फेस को काफी ज्यादा आइसी कूल वाला सेंसेशन देता है, और अगर आप इन्हें अपने आंखों के पास अप्लाई करते हो तो काफी ज्यादा बर्न होता है वो एरिया। मैं ये गलती कर चुका हूं, इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि आप ये चीज मत करना। मैं आपको एक क्लिप भी दिखा देता हूं जिसमें मैंने टर्बो ब्राइट फेस वॉश यूज करा था, और इसको यूज करने के बाद मेरा फेस काफी ज्यादा रिफ्रेश्ड हो गया था और मेरे फेस से जितने भी एक्सेस ऑयल थे वो भी रिमूव हो गए थे। अब इन तीनों फेस वॉश के प्राइस की बात करें तो इस ऑयल क्लियर फेस वॉश का प्राइस है ₹205 फॉर 100 ग्राम ट्यूब, और ये दोनों ट्यूब 50 ग्राम की है, जिसमें से टर्बो ब्राइट का प्राइस है ₹135 और एक्नोफाइट का प्राइस है ₹119। इन तीनों फेस वॉश के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से आके इनका करंट प्राइस चेक कर सकते हो, क्योंकि अक्सर प्राइस जो होते हैं वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। वीडियो खत्म करने से पहले ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन वालों के लिए एक टिप रहेगी कि साइड पे वीडियो आ गई होगी जो है मिनिमलिस्ट सैलिसिलिक एसिड फेस क्लेंजर के ऊपर। इस वीडियो के बाद मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वो वीडियो जरूर देखो अगर आपको अपनी स्किन इंप्रूव करनी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे ग्रूम्ड। ऋषि निशा साइनिंग ऑफ, अंटिल यू सी मी नेक्स्ट टाइम। टाटा।